अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 84 एपिसोड और इस एपिसोड में हम ग्रेट डेन वर्सेस डॉबरमैन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, ग्रेट डेन का ओरिजिन जर्मनी से है। ये डॉग ब्रीड ब्रिटिश मैस्टिफ और वुल्फहाउंड से ब्रीड की गई है। 15th और 16th सेंचुरी में जर्मन जंगल शिकारी खेल से भरे हुए थे। इस दौरान सूअरों की आसानी से शिकार की जाए इस सोच में ग्रेट डेन को ब्रीड किया गया। 1863 में जर्मन डॉग शो में पहली बार ग्रेट डेन को लाया गया था। बाद में ये डॉग ब्रीड सिर्फ लोकप्रिय और शाही परिवारों के पास थी ताकि उनकी प्रशंसा हो सके। डॉबरमैन डॉग का ओरिजिन जर्मनी से है। डॉबरमैन को कार्ल लुईस डॉबरमैन ने 1880 में पहली बार ब्रीड किया था। वो एक टैक्स कलेक्टर थे, उनको बड़े अमाउंट में पैसे ले जाने पड़ते, इसलिए उन्होंने डॉबरमैन को ब्रीड किया। इस डॉग को 8 डॉग ब्रीड्स को मिलाकर बनाया गया है। गाइडिंग एंड सोशलाइजेशन, ग्रेट डेन डॉग जायंट टाइप की डॉग ब्रीड है। ये अच्छे वॉच डॉग होते हैं लेकिन ये एग्रेसिव नहीं होते। ग्रेट डेन डॉग अच्छे फैमिली फ्रेंडली डॉग होते हैं, तो आप इनको छोटे बच्चों के साथ भी रख सकते हो। इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत होती है ताकि ये कंफर्टेबल ही रह सके। ग्रेट डेन डॉग को डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तो आपको इनको डेली 60-80 मिनट्स तक वॉक करवाना चाहिए। डॉबरमैन डॉग वर्ल्ड गार्ड डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं और इंटेलिजेंट डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं। ये अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर इस्तेमाल हाउस गार्डिंग, पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स में किया जाता है। डॉबरमैन डॉग प्रोटेक्टिव और लॉयल डॉग ब्रीड है। ये डॉग साइज में बड़े होते हैं, इसलिए इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत होती है। डॉबरमैन डॉग को गार्डिंग के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये नेचुरल ही गार्ड डॉग होते हैं, लेकिन इनको अच्छे सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है वरना ये बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। कलर्स एंड शेडिंग, ग्रेट डेन डॉग ब्लैक, ब्रिंडल, फॉन, मेंटल और हर्लिक्विन कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट शॉर्ट, थिक और स्मूथ होता है। इनको हफ्ते में एक दो बार ग्रूमिंग करवाना चाहिए। इनका शेडिंग सीजन 6-8 मंथ में आता है। डॉबरमैन डॉग वाइट, ब्लैक, फॉन, ब्लैक एंड रस्ट, फॉन एंड रस्ट और रेड एंड रस्ट कलर में पाए जाते हैं। इन डॉग का कोट शॉर्ट होता है, इसलिए इनको ज़्यादातर ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती और इनका शेडिंग सीजन 8-9 मंथ में आता है। मेंटेनेंस, ग्रेट डेन डॉग का पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 से लेके 35,000 तक आता है। डॉबरमैन का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 15,000-20,000 तक होता है। हाइट, ग्रेट डेन की एवरेज हाइट 28-32 इंचेस होती है। डॉबरमैन डॉग की एवरेज हाइट 24-30 इंचेस होती है। वेट, ग्रेट डेन का एवरेज वेट 50-90 केजी तक होता है। डॉबरमैन का एवरेज वेट 32-45 केजी। लीटर साइज, ग्रेट डेन की लीटर साइज एवरेज 4-8 पपीज होती है। डॉबरमैन की लीटर साइज एवरेज 6-8 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन, ग्रेट डेन का लाइफ स्पैन 8-10 ईयर्स तक होता है। डॉबरमैन का लाइफ स्पैन 10-13 ईयर्स तक होता है। प्राइस, ग्रेट डेन की प्राइस 20,000 के ऊपर है। डॉबरमैन की प्राइस 7,000 से लेके 16,000 तक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 84 एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन से डॉग के बारे में जानना चाहते हो और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।